धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बहराइच से कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी खुद पहुंचे, जबकि देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली तौर पर बहराइच में मौजूद रहे। वहां पर महाराजा बताते हुए सोहेल देव के नाम का स्मारक की बुनियाद रखी गई और कहा गया कि उनके नाम की एक प्रतिमा बनाई जाएगी और इसके अलावा उनके स्मारक को पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया, क्योंकि दो बड़ी शख्सियतों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं जेपी मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि असल हीरो स्वतंत्रता संग्राम के जो हैं वो सोहेल देव नहीं हैं, वो हैं बलभद्र सिंह रेकवार, जो वहाँ के नरेश थे, राजा थे, और इन्होंने वहाँ के लिए शहादत दी थी। अवध की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था 1857 में। इसी तरीके से वो जिक्र करते हैं 1930 की घटना का, कहते हैं कि काशी में यहाँ के एक शख्स हुआ करते थे श्याम मनोहर तिवारी, उन्होंने अंग्रेज़ों का झंडा उतारते हुए और तिरंगा फहराते हुए अपनी शहादत दे दी थी। उनके नाम से स्मारक बनना चाहिए था। एक नाम और है बहराइच का, वो है सालार मसूद गाजी का, जिनकी वहाँ पर बड़ी दरगाह है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर आते हैं। कहा गया कि असल स्मारक इनका बनना चाहिए था, इनको वो इज्जत मिलनी चाहिए थी सोहेल देव को, जो देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये आरएसएस और भगवा ब्रिगेड की एक साजिश है कि फिर से एक बार हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए कुछ चीज़ें पैदा की जाएं। क्योंकि आपने पिछले साल देखा होगा, मई 2020 की बात थी, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि सालार मसूद गाजी की मज़ार के नीचे, दरगाह के नीचे सूर्य देव का मंदिर बना हुआ है, जो उन्होंने डिमांड आदित्यनाथ योगी के सामने रखी थी और उन्होंने कहा था कि वो इस पर विचार करेंगे। तो क्या वाकई में सोहेल देव का जो स्मारक बनाया गया है ये स्मारक है या एक विवाद को जन्म दिया गया है? सोहेल देव का क्या इतिहास है, सालार मसूद गाजी का क्या इतिहास है, बलभद्र सिंह रेकवार का क्या इतिहास है, और श्याम जो है मनोहर तिवारी का क्या इतिहास है? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं देश के जाने माने लेखक, और दुनिया उनको काफ़ी गौर से सुनती और समझती है, प्रोफेसर राम पुनिया जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक आर्टिकल भी लिखा है, मैंने पढ़ा है, बड़ा दमदार आर्टिकल है। मैं चाहूँगा कि इस खबर में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूँ, लोग उस आर्टिकल को हिंदी और इंग्लिश दोनों जबान में पढ़ सकते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि तीन चीज़ें उभर रही हैं, बलभद्र सिंह रेकवार और इसके अलावा श्याम मनोहर तिवारी और सालार मसूद गाजी, ये तीन लोग अलग हैं और सोहेल देव अलग हैं, जिनको भाजपा आज हीरो बता रही है, सच्चाई क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोहेल देव और गाजी जो हैं वो 11th सेंचुरी के हैं, तो इनको आप अलग रख दीजिए। और ये जो बलभद्र जी और तिवारी का आप नाम ले रहे हैं, ये 19वीं शताब्दी के हैं जी। तो जो मेरी भी राय ये है कि हमारे जो प्रतीक होना चाहिए वो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए होना चाहिए। अब ये सोहेल देव को ऊपर लाया जा रहा है, उनको सोहेल देव, सहाल देव, दो तीन नाम से पुकारते हैं। उनके नाम पे एक ट्रेन भी चालू की गई है और योजना है कि उनके एक तांबे की ब्रॉन्ज की एक प्रतिमा बनाई जाएगी जो बहुत बड़ी होगी। और जैसे बाकी दलित आइकन्स हैं, काशीराम और दूसरे आइकन्स हैं, उनके सरीकी, इनकी भी एक बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी जी। तो ये सोहेल देव की जो बात चालू हुई है, पहले तो आर्य समाजियों से चालू हुई थी जी, पर पिछले 25-30 साल से खास तौर से ये कोशिश रही है आरएसएस परिवार की जी। क्योंकि देखिए, आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है, जो उनकी विचारधारा है, जो पुराने मूल्यों को मानती है, मनुस्मृति का गुणगान करती है, उसके हिसाब से दलितों को तो दबाना उनको एक तरह से काम है जी। दलित विरोधी विचारधारा है, दूसरी ओर से दलितों का वोट भी लेना है। तो ये दुविधा में इन्होंने क्या किया है कि जो भी ऐसे प्रतीक हैं 11वीं-12वीं शताब्दी के, जो कुछ कम्युनिटीज में पॉपुलर हैं, उन प्रतीकों को ऊपर लाने का और उनको एक मुस्लिम विरोधी रंग देने का, ये एक डबल, एक तीर से दो शिकार जी। एक तो प्रतीकों को खड़ा करने का जी। अब जैसे सोहेल देव के बारे में 11वीं-12वीं शताब्दी में जो हुए थे बाहरिश के एरिया में, उसमें बहुत सारी किंवदंतियां हैं। एक
एक किंवदंती तो ऐसी है कि सुहेल देव जो थे वो काफी आक्रामक थे दलितों के बारे में, तो कई आम लोगों ने शिकायत की सालार महमूद से कि भाई आप हमें बचाइए, तो इसलिए उनका युद्ध हुआ। अब ये दूसरी बात क्या है कि इनके जो स्रोत हैं इतिहास के स्रोत वो बहुत क्लियर नहीं है, और उसमें तो हुआ क्या कि भाई इतना पता चला कि सुहेल देव और जो गाजी मियाँ जिनको कहा जाता है सालार महमूद, जिनके जिनको ये महमूद गजनवी से भी जोड़ा जाता है, इनकी लड़ाई तो हुई, लड़ाई में दोनों मारे गए, और लड़ाई का कारण ये बताते हैं, कहीं ऐसा बताते हैं कि वो एक जो सालार महमूद है वो एक हिंदू लड़की को लेकर भाग रहा था, उसको बचाने के लिए सालार महमूद आया, गाजी मियाँ उसको लेकर भाग रहे थे, ये एक प्रकार की बात की जा रही है। तो उसके पीछे देखिए दो चीजें की जा रही है, एक तो सालार महमूद की दो तीन वर्णन है, उसमें एक को इससे महमूद गजनवी के साथ जोड़ा जाता है, और उसमें ये भी है कि महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद इसने एक उसने राजघाट भी संभाला था, ये एक है। अब दूसरा उसी के साथ ये जोड़ा जाता है कि उसे ये बाराबंकी भाई रिच का एरिया बहुत पसंद आया, इसलिए वो इधर आके रह गया, यहाँ उसने अपना हेड ऑफिस बनाया और यहाँ से दूसरे लोगों को ये किया। अब उसने जो किया उसके कारण कई लोगों का को जैसे कहते हैं ना मिस्टिकल पावर, जी मिस्टिकल पावर के बारे में उसकी कुछ कहानियां प्रचलित हो गई, और उसके मरने के बाद वो मजार बनी, उसकी लोकप्रियता के कारण मजार बनी, और वो मजार पे हिंदू बहुत बड़ी संख्या में आते हैं जी। और वहां का क्या है वो समझ क्या है, समझ ये है कि उसके पास जो पानी का कुंड है उसमें आप नहाएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और खास तौर से कुष्ठ रोग जो है वो दूर हो जाएगा। अब ये इतनी मोटी मोटी कहानियां हैं। अब इधर से जो आरएसएस परिवार ने कैंपेन चालू किया है, एक तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम, और दूसरा दलितों को अपनी तरफ जीतने का काम। अब ये दलितों को जीतने का जो काम है उसमें सोशल इंजीनियरिंग है, कोऑप्शन है, और तीसरा है ऐसे कुछ प्रचलित आइकन्स को ऊपर लाके उनका एक इंटरप्रिटेशन, उनका जो वर्णन है वो ऐसे तरीके से करना कि जैसे वो उस कम्युनिटी के हीरो हों। पर सवाल ये है कि आज जो दलितों के हीरो हैं जी, वो हीरो वो है जैसे छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिराव फुले, अंबेडकर, हीरो वो है जिन्होंने वर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ विरोध किया जी, उसके विरोध में खड़े हुए। सुहेल देव के बारे में ऐसी कोई बात है नहीं, तो उसको एक राजा के रूप में जिसने मुसलमानों का सामना किया, हिंदू धर्म की रक्षा की, गायों की रक्षा की, ऊपर से सुहेल देव के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने गाय की रक्षा की। तो इसमें तीन एजेंडा आप देख लीजिए, एक मुस्लिम विरोध को मजबूत करना, दूसरा एक आइकन खड़ा करना जो दलित और पासी कम्युनिटीज में ज्यादा पॉपुलर है, और तीसरा उसी के साथ साथ गाय के मुद्दे को उसको उसके साथ जोड़ देना। तो ये एक एक्सरसाइज है जो ये अपने क्योंकि इनके प्रचारकों का जाल बहुत बड़ा है, तो उस प्रचारकों के जाल के माध्यम से, और तीसरा उसके साथ साथ ये भी करना चाहते हैं क्योंकि गाजी मियाँ की दरगाह बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है, सदियों से लोकप्रिय है, सदियों से लोग वहां आ रहे हैं अपनी श्रद्धा और भावना लेकर, जैसे हमारे यहाँ सूफी परंपरा भक्ति परंपरा में यहाँ के लोग भेदभाव नहीं देखते थे। तो ये एक प्रकार से गाजी उसी प्रकार से इमर्ज हुए कि जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों और खास तौर से हिंदुओं ने इस प्रकार से जोड़ दिया, तो ये एक बात हो गई। और दूसरा यहाँ तक देखिए बीजेपी आरएसएस का जो पॉलिटिक्स है वो जगह जगह ऐसी प्रकार की चीजों को खड़ा कर रहा है, जैसे आप केरला में देखिए तो केवल केरला में जो ओणम मनाया जाता है, अब ओणम वो एक प्रकार से कहा जाता है कि जो इनका राजा था उस समय वापस आया वगैरह वगैरह, तो उसको ये एक वामन जयंती के रूप में एक अलग चित्र देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे जैसे ये देखिए कि कोई भी इस प्रकार का राष्ट्रवाद जो संकीर्ण होता है वो चुन चुन कर अपने इतिहास को बनाना चाहता है, और इतिहास की कुछ घटनाओं को पकड़ के उसको ऐसा टिल्ट, ऐसा उसको मोड़ देना चाहता है जिससे उसकी लोग उसकी लोकप्रियता जनता के कुछ सेक्शंस में, जनता के कुछ भाग में बढ़े ताकि उनका राजनीतिक आधार मजबूत हो। तो अभी सुहेल देव के नाम पे जो एक्सरसाइज चलाई जा रही है, जो मूर्ति बनाई जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री खुद तक शामिल हो रहे हैं, जबकि इतिहास में बहुत इनका कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है जी। सबसे क्लियर एक ही बात है कि वहां गाजी मियां की दरगाह थी, लोग वहां जाते थे, ये एक बात क्लियर है। बाकी चीजें
अलग अलग अकाउंट्स हैं, एक इतिहासकार एक लिखता है, दूसरा इतिहासकार दूसरा लिखता है, तुम किंवदंतियां तीसरा लिखती हैं, और जो मुगल उनके बाद उनके दरबार के जो थे महमूद गजनवी और उसके बाद के जो लोग थे उनके वर्णन में कुछ अलग ही आता है। तो ये एक मेरे ख्याल से हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे इतिहास को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए गढ़ा जाता है, उस पे काम किया जाता है, उसके आधार पे अपनी ताकत को मजबूत किया जाता है। ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सुहेल देव को इतना ग्लोरीफाई करना, उसका इतना गौरवीकरण करना, ये उसका एक उदाहरण के रूप में मैं देखूंगा। लेकिन सर जो चीजें निकल के आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि वहां पे स्मारक बनाना और वहां पे सोहेल देव को आगे बढ़ाने की बात करना, ये एक विवाद को जन्म दिया जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में इसके बहुत खतरनाक असर देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, ये तो जैसे आप देखते हैं कि जो भी मुद्दे हमारे रोटी कपड़ा मकान से हैं, उनसे अलग प्रतीकों को खड़ा करना, समाज में बंटवारा लाना और उसके आधार पे अपनी राजनीति को मजबूत करना, ये कोई भी संकीर्ण राष्ट्रवाद, उससे आप मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे मेरा इशारा किस तरफ है। संकीर्ण राष्ट्रवाद जो बराबरी पे नहीं रहता, जो न्याय पे नहीं रहता, जो एक चीज को पकड़ के राष्ट्र को मजबूत करना चाहता है, उसके एजेंडा में इस प्रकार से बंटवारा लाना छुपा होता है, क्योंकि उनकी राजनीति इसी पे पलती है कि भावनाएं आए, लोगों में विवाद हो और उसके आधार पे चला जाए, लोगों में भावनाएं आए, विवाद हो और फिर मुद्दे पैदा हो और इनकी राजनीति आगे बढ़े। इस बात में क्या सच्चाई है? लोग कह रहे हैं कि सालार मसूद गाजी को सोहेल देव ने शहीद किया था, मतलब उनका कत्ल किया था, उनको मारा था। ये बात तो सच है कि जो भी वर्णन मिलते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई में दोनों मारे गए। अब सोहेल देव ने इनको मारा ऐसी बात नहीं है, जो वर्णन कई वर्णनों में है कि इनकी लड़ाई में सुहेल देव भी मारे गए और ये मसूद भी मारे गए, ये दोनों चीजों का उल्लेख मिलता है। तो पर फिर उसमें रंग ये दिया जाने जा रहा है कि सुहेल देव तो गाय की रक्षा कर रहे थे और ये मसूद ये गायों के खिलाफ थे और ये हिंदू लड़की को उठा के ले जा रहे थे, इस प्रकार की कहानियों को वहां गढ़ा जा रहा है। तो सवाल यही है ना, अल्टीमेटली अब 11वीं शताब्दी की अस्पष्ट अनक्लियर बातों को आप एक दावे के साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो वो तो बहुत खराब चीज है। अब जैसे उस एरिया में कोई स्मारक होना चाहिए तो उन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। वैसे भी मेरी समझ है हमारे आइकन्स ज्यादातर जो होना चाहिए वो आजादी के आंदोलन से 1857 से शुरू होकर 1947 तक जिन्होंने आधुनिक भारत को आधुनिक बनने में योगदान दिया, अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति मिलाई, वो हमारे आइकन्स हैं। क्यों हैं आइकन्स हमारे? क्योंकि उन्हीं के साथ नए वैल्यूज जुड़े हुए हैं। और जहां राजाओं में आप आइकन्स को ढूंढते हैं तो राजाशाही के मूल्य क्या है? राजाशाही के मूल्य तो ऊंच नीच के हैं। अब सुहेल देव को भी भले ही वो सामने करें पर उस समय कौन से मूल्यों के साथ राजाशाही चलती थी? राजाशाही में कोई बराबरी का तो कोई सिद्धांत था नहीं, वो तो जन्मजात ऊंच नीच और ज्यादा मजबूत थी। तो ये इनका एक एजेंडे का पार्ट है और इसीलिए पुरानी चीजों को खोद खाद के अपने रंग में रंग के समाज में सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या समाज इन चीजों से बच पाएगा? क्योंकि आपको लगता है कि जो आज ये गढ़ रहे हैं इतिहास को वही इतिहास बनता जा रहा है, क्योंकि इनके सामने कोई चीजों को क्रॉस करना, चेक करना, काउंटर करना कुछ ऐसा किया ही नहीं जा रहा है सर? ये देखिए, वैसे करना इनको जो काउंटर करने की प्रोसेस है पर बहुत छोटी है। मैं आपको बता दूं कि अगर हो सके तो आप इस पे दिखा दीजिएगा, प्रोफेसर बद्री नारायण की एक बुक है, एक किताब है, उसमें उन्होंने ये सुहेल देव के ऊपर लिखा है, फैसिनेटिंग हिंदुत्व किताब का टाइटल है, सेज पब्लिकेशन से आई थी। तो उसमें उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरे डिटेल में बताया। पर सवाल यह है कि जो लोग इस प्रकार की बातों को सामने लाना चाहते हैं वो संख्या में कम है। अब हजारों प्रचारकों के सामने दो चार प्रोफेसर हैं, दो चार छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो इन बातों को सामने लाते हैं तो ये असफल होगा। तो आपकी बात से तो मैं ये सीखता हूँ कि ये जो भी गलत प्रचार करें उसकी सही बात को समाज में रखने के लिए हमने एक तंत्र मैकेनिज्म खड़ा करना चाहिए। उसको मैं टूल किट नहीं कहूंगा क्योंकि टूल किट कहा तो अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगा, पर एक एक जैसे वो हमने एक तंत्र खड़ा करना चाहिए जो सच्चाई को निष्पक्ष रूप से समाज के सामने रखे और उद्देश्य केवल एक हो, समाज की एकता, लोगों की एकता
और उन मूल्यों को समाज में लाने की कोशिश जो बराबरी की तरफ हमें ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त लाइन आखिर में कही है कि ऐसे मूल्यों को हमें आगे बढ़ाना है जो समाज में बराबरी लाते हों और उनके लिए काम करना है, और उसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। शायद तभी ऐसे झूठे इतिहास जो गढ़े जा रहे हैं, तब रोज़ नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं, उनको काउंटर किया जा सकता है, लोगों तक सही चीज़ पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं उन तक सही चीज़ पहुँचे, लेकिन हैं कितने लोग, गिनती के हैं, और उनके पास कितने संसाधन हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, फिर आपसे किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।